दोस्तों, चाय तो घर घर की पसंद है, लेकिन चाय में अच्छे मसाले हो तो चाय का स्वाद और बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गर्मी में पीने जाने वाला चाय मसाला कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चाय मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 10 ग्राम इलायची, इलायची हरी वाली है, 20 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम दालचीनी, 2 जावित्री के फल, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सौंफ और तेजपत्ता के 3 से 4 पत्ते और इन सारे मसालों को हल्का सा गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा गरम कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी भूनना नहीं है, एकदम से हल्का गरम करना है ताकि जो भी मॉइस्चर है इसमें निकल जाए। दोस्तों, मेरा ये रेसिपी देखने के बाद आप हमें ज़रूर बताइए कि आपका चाय मसाला कैसा बना। और मसाला यहाँ पर हल्का सा गरम हो गया है, अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए, बिल्कुल मसाले को मैंने भूना नहीं है, बस थोड़ा सा गरम गरम सेक लिया है। इससे क्या होगा कि चाय का स्वाद बहुत बढ़िया होगा। लिया है यहाँ पर एक मिक्सिंग जार और सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको अब पीस लेते हैं। मिक्सी को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बिल्कुल मोटा दरदरा हमारा मसाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर बारीक नहीं बनाना है। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मसाले को पीसा है। बिल्कुल मोटा दरदरा मसाला पीस के मैंने तैयार किया है। इसी तरह से आप भी मसाले को बनाइए। और ये देखिए, चाय भी उबल के तैयार हो गया है। चाय में मैंने पहले से चीनी, पानी और दूध डाल दिया था और जो मैंने चाय मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा डालूंगी। बहुत ज़रा सा ये मसाला पड़ता है और एकदम से खुशबू आती है। जब चाय आपको उतारना हो बना के, तभी इस मसाले को डालिए और चाय को छान दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर बढ़िया से चाय बन के तैयार हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, आप एक बार इस चाय मसाला को बना करके देखिए, आप इसका स्वाद बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 आदमी के लिए चाय बनाया था और आपने देखा था मैंने मसाला कितना डाला है, बिल्कुल आधा चम्मच से भी थोड़ा सा मैंने मसाला डाला था। और ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।